गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को हम लोग हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजी पटल। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मीन्स निर्देश देते हैं। देखिए, कीबोर्ड का मुख्य भाग, मुख्य काम आपका, या मुख्य उपयोग बोल सकते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। देखिए, ये आपका कीबोर्ड है, दिख रहा है आपको कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड पर उसके सभी बटन, ये आपके बटन सही, जिन्हें दबाने पर वही अक्षर या साइन या संख्या टाइप होती है जो बटन पर हम लोग प्रेस करते हैं, या ये उभरी हुई होती है। कुछ बटनों को दबाने से विशेष कंप्यूटर कमांड भी एक्टिव होकर संपादित होते हैं। अब देखिए, जैसे वाले कीबोर्ड बटन पर अंग्रेजी अक्षर हमने ए दबाया, जब किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो ए अपने आप टाइप हो जाता है। लेकिन जब उसी बटन को कंट्रोल बटन के साथ दबाते हैं तो उसके द्वारा सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। जैसे हमने ए बटन है, दिख रहा है, ए बटन को प्रेस करेंगे तो यदि हमारा नोट पैड वर्ड पैड कुछ ओपन है तो आप ए टाइप होगा। लेकिन अब जब हम कंट्रोल के साथ उसको दबाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा टेस्ट लिखा हुआ वो पूरा आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए जिसको हम लोग बोलते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि कीबोर्ड बटन सॉफ्टवेयर बटनों के प्रकार, बटनों का मिश्रण आदि के अनुसार काम बदलते रहते हैं। हम लोग इसको माउस की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम कीबोर्ड की बनावट में आते हैं। देखिए, कीबोर्ड पर कीज, ये आपको, ये जो बटन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीज। कीबोर्ड पर जो आपकी कीज है, की विशेष बनावट जमावट की को ही हम लोग कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट किसे कहेंगे? जो ये कीज हैं, इनकी जो जमावट है, कैसे है, जैसे कहीं ए लिखा, कहीं बी, बी एस डी इस पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग कीबोर्ड लेआउट बोलते हैं। कीबोर्ड लेआउट ही कीबोर्ड की बनावट, आकार और प्रकार को निर्धारित करते हैं। आज हमारे पास कंप्यूटर कीबोर्ड की मिश्रित लेआउट उपलब्ध है। दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट विकसित किए गए हैं, ठीक है। जो भी भाषा जहां दुनिया को, जो आपके कीबोर्ड है अपने पास, हम इन सभी कीबोर्ड लेआउट को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। कीबोर्ड लेआउट को दो भागों में बांट सकते हैं, क्वार्टरली क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट, नॉन क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट। अब क्वेरिटी कीबोर्ड लेआउट क्या होता है? यह सबसे ज्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट होता है। इसे दुनिया में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट का ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट का। अब देखिए, क्वालिटी लेआउट पर आधारित कुछ अन्य कीबोर्ड लेआउट है, क्वालिटी, क्वार्टच, एजर्टी, क्यूजर्टी, ठीक है। नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट क्या है? जिन कीबोर्ड में क्वालिटी लेआउट की जो कीज की जमावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उन्हें नॉन
क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। नॉन क्वर्टी कीबोर्ड लेआउट कुछ आपके इस प्रकार है, डी वॉर्क, कोले मार्क, वॉर्क मैन, ये आपके नॉन क्वर्टी कीबोर्ड लेआउट के प्रकार है। देखिए क्वर्टी लेआउट अब तक का सबसे प्रचलित और दुनिया भर में अपनाया गया पैटर्न है। कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं या कुल कितने कीज हैं, सभी बटनों के क्या नाम है, प्रकार उसका उपयोग क्या क्या है, इस बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपके कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं, नेविगेशन की होती हैं, इंडिकेटर लाइट होती है, न्यूमेरिक कीपैड होता है, कंट्रोल की होती है, टाइपिंग की होती है। कुल मिला के 6 प्रकार के बटन आप हम लोग या कीज को इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर की लाइट, न्यूमेरिक कीपैड। अब एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती है। कितनी कीज होती हैं? 104। एक जो सामान्य आपका कीबोर्ड है इसमें कितनी बटन होंगी? 104 कीज होती है। तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करता है, इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक क्वालिटी कीबोर्ड में लगभग 100 की होती है, लगभग 100 की होती है, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, 104, 105, तो आपको जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड है उस पर अलग आपकी फीस बढ़ जाएंगी, लेकिन लगभग नॉर्मली जो है 100 की आपकी कीबोर्ड में होती है। कौन से क्वालिटी कीबोर्ड में? कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक चीज का अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी, जैसे अभी आपको बताया मैंने, फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट और न्यूमेरिक पैड। अब हम समझते हैं फंक्शन कीज क्या होती है। देखिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, ये देखिए कीबोर्ड में सबसे ऊपर दिख रहा है, दिखाता हूं मैं आपको, सॉरी ये देखिए ये है, ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपकी फंक्शन की होती है। कि इसमें कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक, F1, F2, F3, F4, F5, F6 इसी प्रकार से F10 तक जो आपकी कीज हैं, या आपकी कौन सी की कहलाती हैं? फंक्शन की कहलाती है। इसका उपयोग किसी विशेष करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। इसके बाद टाइपिंग की क्या होती है? सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज का होता है, या आपकी टाइपिंग की, ये टाइपिंग की में दोनों तरफ की कीज, अल्फाबेट और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहा जाता है। टाइपिंग की में सभी प्रकार के सिंबल, पंक्चुएशन मार्क भी शामिल होते हैं। जब हम कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं तो भी इन्हीं कीज का जो हमको प्रशिक्षण भी कराया जाता है, बताया सिखाया जाता है, इसलिए इन कीज को जानकारी अच्छे तरह से हम लोग को कर लेनी चाहिए। टाइपिंग कीज के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी की प्रेस करने से क्या होगा, 1 दबाएंगे उसके ऊपर कौन सा सिंबल है, 2 के ऊपर कौन सिंबल है,
जो आपकी टाइपिंग की है पूरी आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास इसकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टाइप है कंट्रोल की है। इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक समान कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडोज की, एस्केप की का प्रयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मेनू की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की आदि कीज भी हम लोग कंट्रोल में हम लोग इसको शामिल करते हैं। देखिए ये कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडोज की, ये बटन है आपका, इस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रिंट स्क्रीन की, लॉक स्क्रीन की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होती है? नेविगेशन की में एरोस की, ये देखिए ये आपकी नेविगेशन की है, दिख रही है, और यहाँ पे एरो की, होम, एंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि जो की होती है वो आपकी कौन सी की कहलाती है? नेविगेशन की। इनका यूज भी किसी डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज आदि में इधर उधर मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की टाइप में आपका इंडिकेटर लाइट। कीबोर्ड में तीन प्रकार की इंडिकेटर लाइट होती है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। ये देखिए तीन प्रकार की लाइट है आपकी, दिख रही है स्क्रीन में आपको। अभी आपके नम लॉक दिख रहा है, देखिए लाइट बंद होगी, ये देखिए दिख रहा है, अभी लाइट जल रही है, अभी हमने नम लॉक बंद किया, बंद हो गई, ये देखिए। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक की आपकी कीपैड आपका चालू है, ऑन है, और यदि ये बंद है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीपैड आपका बंद है। दूसरी लाइट में हम लेटर के अपर केस, लोअर केस के बारे में संकेत करता है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये ऑन होती है तो लेटर आपके अपर केस में होते हैं। तीसरी इसे स्क्रॉल लाइट के नाम से जानते हैं, इससे हम स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। अभी हमने आपको बताया न्यूमेरिक की, ये देखिए 1 से 0 से लेकर 9 तक आपकी इसमें गिनती लिखी हुई है, ये आपको न्यूमेरिक की कहलाती है। इस टाइप इसे हम कैलकुलेटर की भी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही की होती दिखाई देती है। इसका इस्तेमाल नंबर्स लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब देखिए कुछ और भी टाइपिंग की इसका और उसका उपयोग, जैसे टैब की, इसका क्या काम है? टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई उपयोग हैं। टैब का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट में भी किया जाता है। टैब बटन कंप्यूटर में केवल एक ही होता है जो बाएं तरफ स्थित होता है। ये देखिए टैब की है आपका, ये दिख रहा है, ये कैश लॉक की, ये इसके नीचे कैश लॉक की है। इस बटन का उपयोग भी लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैश लॉक ऑन होता है तब सभी हमारे लेटर क्या होते हैं? अपर केस में लिखे जाते हैं, और ऑफ होने पर लोअर केस में राइट होते हैं। क्लियर है? अपर केस लेटर से बड़ी ABCD, लोअर केस छोटी स्मॉल ABCD जो होती है। स्विफ्ट की भी होती है इसमें आपके कीबोर्ड में। देखिए स्विफ्ट की का प्रयोग लेटर्स को वो अपर केस में लिखने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा किसी बटन के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करना है तो हम स्विफ्ट की का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर M% एट द रेट है, इसको लगाना है तो हमने स्विफ्ट दबाया और 2 दबाएंगे तो ऊपर वाला आपका करेक्टर टाइप होगा। स्विफ्ट बटन कंप्यूटर में 2 भाग होते हैं, एक बाया भाग स्विफ्ट बटन और दूसरा दायां स्विफ्ट बटन। आपके 2 स्विफ्ट बटन आपके कीबोर्ड में दिखाई देंगी आपको।
जब बड़ा अक्षर बाएं हाथ से टाइप करना होता है तब दायां शिफ्ट दबा बटन दबाते हैं, जब दाएं हाथ से बड़ा अक्षर टाइप करना होता है तो हम लोग बाएं शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। इसके सबसे नीचे आपके स्पेस बार होता है, स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है इसका, ये देखिए सबसे बड़ी की है आपकी, ये आपकी स्पेस बार है, देख रही। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए, सॉरी इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंटर बटन, इंटर बटन आपकी दो होती है, ये देखिए एक इधर है न्यूमेरिक की के पास, एक आपकी यहाँ पे। इंटर की एक महत्वपूर्ण की है, इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर की को हम दबाते हैं तो कर्जर अगली लाइन में शुरू में चला जाता है। इंटर की ओके बटन का भी कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका की है स्पेस बार, बैक स्पेस, बैक स्पेस बोलते हैं। बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे या आगे के तथा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका कार्य चेंज होता रहता है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर जैसे उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर बैक स्पेस कवर करता है। अब हम कंट्रोल की के बारे में आते हैं, जैसे स्केप की। स्केप की का यूज वर्तमान में चालू किसी जो टास्क है उसको कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे भी पावर पॉइंट आपकी विंडो खुली हुई है, इसको हमको कैंसिल करना है, तो हम लोग क्या दबाएंगे, स्केप बटन दबाएंगे। स्केप बटन देखिए आपकी फंक्शन की के बगल में होती है, ये हमने प्रेस किया, ये देखिए चेंज हो गया। फिर से देखिए ये आपका पावर प्रेजेंटेशन ऑन है, हमको इसको कैंसिल करना है, ये देखिए। मीन्स ईएफसी की का पूरा नाम स्केप की है, कंट्रोल की, सीटीआरएल की, इसका पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका यूज कीबोर्ड के शॉर्टकट्स में किया जाता है, जो शॉर्टकट बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है। और एएलटी की का पूरा नाम अल्टर की है, इसका यूज भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स में किया जाता है। विंडोज लोगो की, आपकी विंडोज लोगो की है, इसका यूज भी स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये ओपन हो गया, देख रहे हैं, इस हम बटन को प्रेस किया। मेनू की माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करता है मेनू की आपका, जब किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करता है। प्रिंट स्क्रीन पीटीआर एसटीआर की, कंप्यूटर की स्क्रीन के इमेज लेने के लिए स्क्रीन का हम लोग यूज करते हैं। इस बटन का प्रैक्टिकल जानने के लिए हम, जैसे हमको इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है तो हमने इसको किया प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। अब इसको पेस्ट कर देंगे, उसमें पेस्ट का शॉर्टकट प्रिंट स्क्रीन आपका प्रिंट हो जाएगा। अब नेविगेशन की, एरो की जो आपकी होती है, एरो की हो गई, होम की हो गई, एंड की हो गई। एरो की का चार प्रकार की होती है, अप डाउन एरो, मतलब अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, चार प्रकार की। इसका यूज कर्सर और वेब पेज को एरो की दिशा में चलाने के लिए किया जाता है। होम की का यूज कर्सर को किसी डॉक्यूमेंट से शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। एंड की कर्सर को दस्तावेज से आखिरी में ले जाने के लिए किया जाएगा। इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। डिलीट की का यूज कर्सर के बाद के टेक्स्ट सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेज अप डाउन की, पेज अप का यूज कर्सर को किसी पेज के ऊपर खिसकाने के लिए किया जाता है। और पेज डाउन की का यूज कर्सर एवं किसी पेज को नीचे खिसकाने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक की का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया आपको कैलकुलेटर के समान है, इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं होती है, साथ ही गणित एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीपल तथा डेसिमल के साइन बीच में आपको दिखाई देते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले कंप्यूटर में जाने वाली लाइट का स्विच ऑफ हम लोग बंद कर देना चाहिए। बिजली चालू होने ऑन होने पर इसकी काम करने की सलाह नहीं होने नहीं देते, क्योंकि इसके बाद जो कीबोर्ड का जो कनेक्टर है उस कनेक्टर को अपने सिस्टम में कनेक्ट करना चाहिए। जैसे इसके ये वायर है, एक वायर आपके कीबोर्ड में कनेक्ट है, दूसरा सिरा इसका आपके सीपीयू में कनेक्ट करते हैं। देखिए, यदि आपका जो कीबोर्ड का गोल सिरा है तो उसको हम लोग PS2 पोर्ट बोलते हैं, और यदि आय का तार है तो USB पोर्ट बोलते हैं। जैसा आपको हमने बताया था, PS2 पोर्ट और USB पोर्ट बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग कीबोर्ड को इसके बाद देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड जो आपका है, जैसे हम लोग पिछले पुराने जमाने में टाइपराइटर यूज करते थे, उसी प्रकार से आपका कीबोर्ड है। जैसे टाइपराइटर से हम लोग टाइप करते थे, हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफियर लैथम सोर्स ने सन 1868 में किया, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 में किसका किया था, कीबोर्ड का उपयोग किया। ठीक है, ये आपको कंफर्म हुआ कि आज मैंने आपको कीबोर्ड के आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बताएंगे, उसके जो अभी आपके जो न्यूमेरिकल फंक्शन की इस बारे में बताया, आपको इसके माध्यम से सब समझाने का प्रयास करूंगा।